गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज अंगद यादव। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, साउंड। स्टूडेंट, हम लोगों ने लाइव क्लास में साउंड एंड वाइब्रेशन दो टॉपिक को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो कुछ नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। फिर से हम इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं, है ना, जो हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करें आज का फर्स्ट हेडिंग, और आपका स्टार्ट होगा चैप्टर, चैप्टर 13 है साउंड। अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए बेटा, और हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है साउंड, ठीक है। व्हाट इज साउंड? तो साउंड पहले तो ये होता है कि साउंड क्या है। साउंड एक टाइप का क्या है बेटा? एनर्जी, ठीक है। साउंड एक टाइप की एनर्जी है जिसको इनेबल करने के बाद या जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं या किसी भी टाइप्स के वॉयस को सुन पाते हैं, ठीक है। वॉयस ही एक टाइप का क्या है? साउंड बेटा। यहाँ पर तो यहाँ पर साउंड की बात करें तो साउंड, व्हाट इज साउंड, इसका डिफिनेशन राइट करें जो कि एनसीईआरटी में राइट किया हुआ है, ठीक है। साउंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन एनिमल, ठीक है बेटा। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी का बेटा क्या है, डेफिनेशन है। साउंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड जो है हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी वजह से, यानी इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं विद वन अनदर, यानी किसी दूसरे से, या टू ईच अदर भी यहां बोल सकते हैं कि हम एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब बात आती है कि हम अपने अराउंड डिफरेंट टाइप के साउंड सुनते हैं, रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं ना, जिसमें कुछ एग्जांपल आपको जो हमने लाइव क्लास में डिस्कस ही किया है ऑलरेडी, कि जो साउंड होता है, जो डिफरेंट टाइप के साउंड है, जिसमें क्रीपिंग बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स की क्रीपिंग और डॉग्स की बार्किंग और ह्यूमन का जो स्पीक हम लोग बोलते हैं उसके कम्युनिकेशन में जो यूज करते हैं, और मोटर व्हीकल्स के डिफरेंट टाइप के साउंड हो सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग जो सॉन्ग सुनते हैं बेटा, उस सॉन्ग में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल और कुछ फिगर आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ध्यान से देखेंगे। उसमें आपको तबला दिखेगा, उसमें ढोलक दिखेगा, हारमोनियम दिखेगा, फ्लूट दिखेगा, है ना, और उसके बाद माउथ ऑर्गन्स भी दिखेंगे उसमें। मतलब है नहीं उसमें डायग्राम्स, माउथ ऑर्गन आप लोगों ने देखा होगा, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से उसको बजाया जाता है ना। तो ये माउथ ऑर्गन्स हो गए, और भी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा साउंड का डिफिनेशन। साउंड जो है कम्युनिकेशन और हियरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर पाता है। जैसे आप अगर बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, इसका मतलब यहां पर किसका इंपॉर्टेंट रोल है? साउंड का है, ठीक है। तो ये साउंड आपको समझ में आ गया होगा, ये डिफिनेशन। इसके अलावा भी आप एक और डिफिनेशन याद कर सकते हैं इसको, है ना, क्या होगा वो, जैसे साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स इनेबल हेल्प अस टू कम्युनिकेट एंड हियरिंग, ठीक है। यानी कि साउंड एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को सुन सकते हैं, और अपने अराउंड हम डिफरेंट टाइप के साउंड को सुनते भी हैं, रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो प्रीवियस ही क्लास में हम लोगों ने एक हेडिंग और डिस्कस किया था, वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन हमने डिस्कस किया था बेटा। इसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है, इसकी वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। उसमें हमने एनसीईआरटी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को डिस्कस किया है। पहले तो क्या है वाइब्रेशन, व्हाट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो अपने मीन पोजिशन से क्या कर रहा है, उसमें ऑसिलेशन होने लगा, ठीक है, उसमें ऑसिलेशन होने लगा, अपने मेन पोजीशन से वो आगे पीछे जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल दें, आप अभी एक रबर ले लीजिए प्लक, और उस रबर को प्लक करिए, है ना, एक रबर लीजिए, दो पेंसिल लगाइए उस पर, जो एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और उसके बाद उसको आप प्लक करिए, ठीक है। जब आप उसको प्लक करेंगे तो वो आगे पीछे होगा,
तो ऑसिलेशन होगा उसमें और वो वाइब्रेशन करेगा और जिसकी वजह से ही क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, ध्यान से उसको सुनेगा। ठीक है, अब एक जो अभी अभी फील करना चाहते हैं इसको, तो हमने कल भी बताया था कि अपने थ्रॉट्स पर आपका जो ये वोकल कॉर्ड्स है, लेरिंग्स जिसको बोलते हैं बेटा, यहां पर आप अपने फिंगर को रखिए, उसके बाद आप बोलना चालू करिए, आपको ऐसा फील होगा कुछ वाइब्रेट हो रहा है, है ना, कुछ वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। ये बात समझ में आ गई है बेटा, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेशन करने लगता है, आगे पीछे मूव करने लगता है अपने मीन पोजीशन से, वो क्या हो गया, उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है और वही है बेटा वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन को समझने के लिए आप वही एक रबर को प्लग कर सकते हैं या फिर एक डिश में आप वाटर फिल कर लीजिए और स्पून से उस पर क्या करिए आप स्ट्रंग करेंगे, हिट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वाटर में आपको वेव दिखाई देंगे और आपको एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा, है ना। तो आप अपने अराउंड डिफरेंट थिंग्स देखे होंगे जहां से साउंड आपको मिलते हुए, मतलब प्रोड्यूस होते हुए दिखाई, मतलब प्रोड्यूस होते हुए आपको फील होता होगा कि वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आप उसको सुन पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके घर में कोई छोटा सा साउंड हो, जैसे पहले आता था एक साउंड इस तरीके का, हो सकता है कि आपके घर में होगा वो, आई होप, और एक बड़ा सा साउंड होता था इस टाइप का, है ना, और इसको थोड़ा सा इसके पीछे होता है मैग्नेट, कभी निकाल मत लीजिएगा इसको, और यहाँ पर आप कुछ छोटे से आप राइस के राइस रख सकते हैं या कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स रख सकते हैं, और जब इस आप इसको क्या करेंगे बजाएंगे तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये उसके ऊपर जंप करते हुए दिखेंगे, या आप इसको फील कर सकते हैं ये वाइब्रेट होता होगा, है ना। अब आज के डेट में जो डीजे देखते हैं आप लोग, डीजे है ना, डीजे जो देखते हैं, तो वहां पर भी आप अगर उसके नजदीक पहुंचे होंगे तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हम टॉपिक प्रीवियस क्लास में ही बेटा डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम मूव करते हैं वाइब्रेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, ऑसिलेशन है। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, वाइब्रेशन कल तक हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। एम्पलीट्यूड नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप देख ध्यान से देखेंगे बेटा यहां एम्पलीट्यूड। What is amplitude? जब कोई एक बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, यानी एक ऑसिलेटिंग बॉडी अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी ऑसिलेटिंग बॉडी जब कोई एक ऑसिलेटिंग बॉडी अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करती है बेटा, वो कवर करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये पॉइंट ऐसे नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे, फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक पेंडुलम है इस तरीके से होता है, है ना, शायद आपने देखा हो इसको, और जब इसको हम क्या करते हैं पुश करते हैं या पुल करते हैं आगे या पीछे की तरफ, तो ये क्या करने लगता है, आगे पीछे मूव करें, है ना, आपने झूला देखा होगा, है ना, झूला देखा होगा आपने, तो होता क्या है कि ये कुछ पहले हो सकता है कि कुछ आगे तक जाए, है ना, कुछ इस पोजीशन तक जाए या कुछ पीछे इस पोजीशन तक जाएगा, आगे पीछे इस तरीके से। ये इसका मीन पोजीशन है बेटा, ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, और ये आगे गया है और पीछे गया है। ठीक है, तो आगे पीछे जब ये जाएगा तो ये जितना आगे मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो कवर कर रहा है, जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने मीन पोजीशन से, इसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड का ध्यान से समझ लीजिए इसको, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। एक ऑसिलेटिंग बॉडी जो है जब वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाती है और उसके मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मीन टू मैक्सिमम, यानी समझिएगा मीन टू मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये क्लियर हो गया, मीन टू मैक्सिमम। ठीक है, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में राइट कर लेंगे आप, और उसके बाद इधर भी होगा एम्पलीट्यूड, है ना, इधर भी एम्पलीट्यूड होगा, ऐसा नहीं केवल सामने, ठीक है, पीछे भी है एम्पलीट्यूड। अब एक और एग्जांपल, एक और फिगर ड्रॉ करके दिखा देते हैं आप लोगों को, जैसे आपने इस तरीके से वेव देखा होगा,
ये इस तरीके से है ना, ऐसे। अब आगे जरूर देखेंगे जब फिजिक्स नाइन्थ और टेंथ की क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। वैसे अभी देख लो यहाँ पर, अब हुआ क्या, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से एक ऑसिलेटिंग बॉडी है, मतलब एक क्या है, एक वेव जो आगे मूव कर रहा है, ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पे गया। यहाँ क्या गया, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है इसने, कहां से, अपने मीन पोजीशन से। तो ये इसका क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मीन पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड होता है। अब इसके बाद ही एक और नेक्स्ट टॉपिक और होता है, एम्पलीट्यूड के बाद हम डिस्कस कर लें ऑसिलेशन, व्हाट इज ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन क्या है। तो पहले हम क्या कर लें, कहां राइट कर लें, यहां राइट कर लेते हैं ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड के बेस पर, ठीक। ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन समझो बेटा इस पेंडुलम से समझो, ठीक है, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम से समझो ऑसिलेशन क्या है, कि जब एक ऑसिलेटिंग बॉडी, ये जो ऑसिलेटिंग बॉडी है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए, ठीक है, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, ये आगे भी गया, जैसे सपोज करिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो जब एक ऑसिलेटिंग बॉडी अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर ये बैक फिर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, यानी एक बार ये आगे जाएगा फिर ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पीछे जाएगा। जैसा आप लोगों ने झूला देखा होगा, जब आपको झूलाया जाता है तो आप एकदम आगे जाते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते, फिर उससे बाद बैक होते हैं, फिर पीछे जाते हैं, तो वहां पर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं, फिर से रिटर्न होते हैं, फिर आगे जाते हैं, तो ये आगे जाना फिर पीछे जाना, तो यहां पर क्या हुआ कि मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम, ठीक है, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक और दूसरे एक्सट्रीम पोजिशन तक, यानी ये कह सकते हैं मीन टू ए, ए टू बी, ठीक है, मीन टू ए गए आप और ए टू बी, या फिर बी टू ए, ए टू बी, ऐसे बोल सकते हैं, ए से बी तक और बी से ए तक, बी से ए तक, जो आपने ये ऑसिलेशन देख रहे हैं इसी मतलब जो ये मूवमेंट देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन का डिफिनेशन क्या होगा बेटा, यहां पर कि जब एक ऑसिलेटिंग बॉडी है और जब वो अपने क्या करेगा, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर वापस अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर आगे गया और फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर पीछे भी गया, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं बेटा। वन ऑसिलेशन मतलब एक मीन पोजीशन से बॉडी ए टू बी गई और बी टू ए, ठीक है, ए टू बी, बी टू, ऐसे तो झूला झूलते हैं ए टू बी और फिर से ए, हमने क्या किया, मीन से गया किस साइड गए, ए गए, ए से फिर गए बी तक, बी से कहां गए, ए तक, ठीक है, ए टू बी, बी टू ए, ऐसे मूव करते हैं ना, ऐसे ए टू बी, बी टू ए, ऐसे मूव करते हैं, यही है बेटा ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन होगा, यानी एक बॉडी ए तक गई फिर बी तक, यानी बी से ए तक, ए से बी तक, ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, ठीक है। यहां पर भी समझ सकते हैं कि एक बॉडी एक्सट्रीम तक गई और दूसरे एक्सट्रीम तक गई, यहां वो क्या होगा बेटा, उसका ऑसिलेशन होगा, ठीक है, ऑसिलेशन होगा, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर ले और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बेटा टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे, टाइम पीरियड डिस्कस कर ले, यहां चलिए यहीं रह कर लेते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अभी बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में हमने बताया कि एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है, फिर रिटर्न होती है, फिर पीछे भी अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है। उसका बेस्ट एग्जांपल हमने आपको बताया जो झूला होता है, जो ए पॉइंट तक गया फिर से बी पॉइंट तक जाएगा, यानी एक बार आगे एक बार पीछे, पूरा एक जो कंप्लीट कर रहा है, एक सर्कल जो कंप्लीट हो रहा है उसका, है ना, एक पूरा जो सर्कल नहीं होगा, वो पूरा जो कंप्लीट हो रहा है ए टू बी, बी टू ए, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन हुआ, और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है बेटा उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, है ना, यानी कि वन ऑसिलेशन में जो टाइम टेकन होता है, जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक, समझ आ गया, टाइम पीरियड मतलब, जैसे सपोज करिए कि बी टू ए जाने में कितना सेकंड का टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा, एग्जांपल देते हैं बेटा 5 सेकंड का, ए टू बी जाने में भी 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो उसका वो क्या हो गया, वो टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड, ठीक है, यानी वन ऑसिलेशन टाइम टेकन इसका टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, समझ आ गया बेटा, यानी मीन पोजीशन से कोई बॉडी आगे जा रही है फिर पीछे भी बी पॉइंट तक जा रही है, यानी बी टू ए जो एक टाइम लग रहा है बी टू ए जाने में, क्योंकि पहले बॉडी बी से मीन जाएगी, मीन से ए जाएगी ना बेटा, तो जो एक एक टाइम लग रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं बेटा, जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम
पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। तो बी टू ए एक ऑसिलेशन है, ए टू बी दूसरा ऑसिलेशन है, तो बी टू ए आने में जितना टाइम लगा, ए टू बी जाने में जितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड होगा। क्लियर हो गया ये बेटा? क्लियर हो गया। चलिए चलिए अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसका? टाइम पीरियड का, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला राइट करें तो एफ इक्वल टू वन अपॉन टी होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी मतलब जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है, या दोनों में कर सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका जो रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में, ठीक है बेटा ध्यान से सुनेंगे, एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन समझो बेटा कि हमने एक सेकंड हमने क्या किया, एक बॉडी है या झूला है उसको हमने जोर से झुलाया और एक सेकंड में क्या झूला जो था वो चार या पांच बार क्या किया, वो मूव किया आगे पीछे किया, ठीक है। कितनी बार किया बेटा? सपोज करिए फाइव टाइम किया उसने। कितने टाइम किया? फाइव टाइम। कितने सेकंड में? एक सेकंड में उसने क्या किया? फाइव टाइम ऑसिलेशन किया, फाइव टाइम ऑसिलेशन किया, और फाइव टाइम ही उसका क्या हो गया बेटा? फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी एक सेकंड में कोई बॉडी जितनी बार ऑसिलेशन करेगी उसी को हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का रिलेशन अगर फ्रीक्वेंसी से करें तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ इक्वल टू वन अपॉन टी, ठीक है, एफ इक्वल टू वन अपॉन टी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से समझते हैं। अगर एक बॉडी, एक एग्जांपल पेंडुलम का लेते हैं, आप अपने अराउंड झूले देखे होंगे, उस झूले को क्या करते हैं, हम जोर से झूला देते हैं किसी भी पर्सन को उस पे बिठा के, तो वो क्या करता है? सपोज करिए कि एक सेकंड में वो फाइव टाइम गया, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कोई भी बॉडी जितना ऑसिलेशन करेगी आगे पीछे जितना मूव करेगी वो उसका क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी हमेशा किसमें मेजर की जाती है? हर्ट्ज में, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एच जेड के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आज के जो क्लास है बेटा वो यहीं तक होगी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से समराइज करते हैं, हमने आज डिस्कस क्या किया बेटा? साउंड डिस्कस किया हमने। साउंड में ये बताया कि साउंड एक टाइप की एनर्जी है, जब ये इनेबल होती है तो इसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, हेयर कर पाते हैं, कुछ सुन पाते हैं। या एनसीआरटी की सुने तो एनसीआरटी का डिफिनेशन देखे तो साउंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं और अपने अराउंड हम डिफरेंट टाइप के साउंड सुनते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, सबको पता है, ठीक है। वाइब्रेशन क्या है? यानी कि कोई एक बॉडी है जो वो बार बार क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, उसी को हम वाइब्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ऐसा हम फील भी करते हैं अपने अराउंड, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव करता है, जैसे हमने थॉट पेन रखा तो वो आपको फील होगा आगे पीछे हो रहा है वहां पर, है ना, कुछ बैक एंड फ्रो, बैक फ्रो, बैक एंड सॉरी टू एंड फ्रो होगा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो होगा, यानी आगे पीछे मूव कर रहा है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कोई एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, जैसे एग्जांपल बताएं ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से जितना आगे जाएगा वो उसका क्या होगा बेटा? एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड होगा। एक एम्पलीट्यूड मीन टू ए है और दूसरा एम्पलीट्यूड मीन टू बी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब ये हो गया कि कोई एक बॉडी जो बी टू ए जा रही है, ए टू बी जा रही है, मतलब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रही है वापस, यानी वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ऑसिलेशन मींस क्या हो गया बेटा? वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपने झूले को जोर से आपने पुल किया या कुछ किया, तो उस टाइम पर वो अपने मेन पोजीशन पे जहां सॉरी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर बैक अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, वो उसका एक ऑसिलेशन होगा। एक ऑसिलेशन मतलब एक बार वो ए तक गया, ए से बी तक गया, ए टू बी एक ऑसिलेशन होगा, बी टू ए दूसरा ऑसिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमने टाइम पीरियड आपको बताया। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं बेटा, है ना। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया आज फ्रीक्वेंसी, मतलब हमने आपको बताया कि एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होगा वह उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसका फॉर्मूला हमने बताया एफ इक्वल टू वन अपॉन टी, और इसको हर्ट्ज से क्या करते हैं?
इसको डिनोट किया जाता है, और जो टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये आपको टॉपिक आई होप की समझ आ गई होगी, आपने हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप राइट करेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी हमें बता सकते हैं कि ये टॉपिक डाउट में है सर, नेक्स्ट क्लास में उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, या फिर आपको वन बाय वन जब यहाँ पर बुलाया जा रहा है रोल नंबर वाइज तो आप आकर यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।